तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से किंगडम ऑफ डालडार में। तो लास्ट वीडियो में इन चाचा जी की बात मान के हम गए विग्डरेथ को मारने के लिए, क्योंकि उसका बुरा साया इस पूरे किंगडम ऑफ डालडार पे छाया हुआ था। एंड अगर हम इसे मार देते हैं तो चाचा जी हमें देंगे इविल फोर्स के बेस का पता। एंड ये फाइट जो है बिल्कुल आसान नहीं थी। बहुत दिनों तक फाइट करने के बाद फाइनली वो टाइम आया जब हमने विग्डरेथ को मार गिराया। तो इससे खुश होकर चाचा जी ने जो है हमें दिया एक ड्रैगन एग, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ड्रैगन था। एंड इविल फोर्स के बेस का भी उन्होंने पता दिया, जहां पे हमें रास्ते में उनका एक टेम्परेरी बेस मिला आउटपोस्ट टाइप, एंड उससे हमने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये था लास्ट वीडियो का छोटा सा रिकैप, ताकि आप स्टोरी याद रहे आपको। तो आज के वीडियो का हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 100 डेज सर्वाइव करना है, इविल फोर्स बेस पे अटैक करना है एंड उनका खात्मा करना है इस वर्ल्ड से। लेकिन वो हम अकेले नहीं करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड हाँ, हमारा चैलेंज है यहाँ से निकलना डे 100 को, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है मे बी। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी जानने के लिए। बहुत तगड़ी फाइट्स होने वाली है इस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पूरी ज़रूर से देखिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार इस टाइप की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो एक बार फिर से एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए, तो फटाफट से लाइक बटन दबा देना। एंड हाँ, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो ये है डे 76। ये एक तरह से इविल फोर्स का आउटपोस्ट है जिसपे हमने कब्जा कर लिया है। एंड नेक्स्ट फ्यू डेज हम यहीं पर बिताने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, बट फिलहाल के लिए काफ़ी सही जगह है। यहाँ पे जो है मैं ड्रैगन एग को हैच करने वाला हूँ, यस। बट उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है इन चेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारा खाना है जो कि अपन रख लेते हैं, क्योंकि यार खाने की अपने पास बहुत कमी है। एंड इसके अलावा इन स्वॉर्ड मेरे कुछ काम की नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्टिक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारे बोन्स हैं, ड्रैगन बोन्स भी है। आई थिंक इन्होंने बहुत सारे जानवरों को मारा है, ड्रैगन्स को भी मारा है। एंड यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, फ्लेम है, फेदर फॉलिंग 4 है, फायर एस्पेक्ट 2 है, तो ये एंचेंटमेंट्स में काम आ जाएंगी। प्रोटेक्शन 4 भी है, ठीक है। देखते हैं अपन क्या क्या एंचेंटमेंट कर सकते हैं अपन। तो इन्होंने कैंप टाइप बना रखे हैं, एकदम तंबू टाइप। तो यहाँ पे इस साइड भी देख लेते हैं कि क्या क्या है चेस्ट के अंदर। तो भाई बहुत ज़बरदस्त इन्होंने माल इकट्ठा करके रखा, डायमंड, लैपिस, आयरन, भाई मतलब ज़बरदस्त। तो ये है मैप इनका मेन बेस का, तो वो अपन देख लेंगे किस साइड पे है। शायद से इस साइड पे जाना है हमें, तो ठीक है बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पास में ही होना चाहिए। तो इसको रख देते हैं वापस से। एंड यहाँ पे TNTs पड़े हुए हैं बहुत सारे, एंड एरोज हैं। एक काम करते हैं, एरोज सारे ले लेते हैं अपन, TNT ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो फटाफट से सारे एरो कलेक्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार जिन्होंने लास्ट वीडियो सही से नहीं देखा कि मैं उड़ कैसे रहा हूँ, तो मुझे मिला एक फीदर जो कि हमें मिला था विग्डरेथ को मारने से। तो उसकी वजह से हम उड़ सकते हैं अब आराम से इस वर्ल्ड में। एंड एनिमीज को डिफीट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो यार चेस्ट में काफ़ी काम की चीज़ें हैं, एंड यहाँ पे आर्मर्स भी हैं, तो वो अपन बाद में देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो यार ड्रैगन को हैच करने के लिए अपने को फ्लिंट चाहिए होगा, फ्लिंट एंड स्टील, तो इसको ले लेते हैं। एंड बुक्स बाद में देखेंगे। तो आर्मर देखते हैं कि यार कौन कौन से आर्मर है यहाँ पे। तो ये है गोस्ट किंडलर चेस्ट प्लेट जिसपे 25 का प्रोटेक्शन है, ओके। एंड इस पर प्रोटेक्शन है 27 का, ग्लाइड ग्लोरी, ओके। तो इसी को अपन पहनते हैं, यही आर्मर सेट पहनते हैं। एंड लग भी काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत सही डिजाइन है इसकी। तो फटाफट से पूरा आर्मर सेट पहन लेते हैं एंड देखते हैं कि यार कैसा लगता है अपने को। ओके, तो तैयार है हम आर्मर सेट पहन के। काफ़ी ज़बरदस्त लुक है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, यही पहनने वाले हैं अपन। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से जो है बुक्स मैंने सारी ले ली है, तो एंचेंटमेंट्स कर देते हैं। फ्रॉस्ट सिथ जो कि यार अपने पास है, उस पर अपन फ्रीजिंग 3 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रोटेक्शन 4 है जो कि मैं आर्मर पे लगाने वाला हूँ। इसके ऊपर शार्पनेस लगा देते हैं, फीदर फॉलिंग बूट्स पे लगा देते हैं। फटाफट से सारी एंचेंटमेंट्स कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट कर देते हैं सारी चीज़ें। ओके, तो एंचेंटमेंट्स हो गई है, अब टाइम है ड्रैगन एग को हैच करने का। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। आप पहले तो ये इसको हैच पर लगा देते हैं,
तो इस पे यहाँ पे हमें आग लगानी है। एंड ये शायद से इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो ये ड्रैगन को कब्जे में करते होंगे मेरे हिसाब से, तो ये इविल फोर्स वाले। तो फटाफट से यहीं पे खड़े रहते हैं, बहुत टाइम लगने वाला है इस चीज़ में। ओके, तो नाइट हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, एंड यहाँ पे भाई आग भी पकड़ रही है। बार बार मैं आग बुझा बुझा के थक गया हूँ, बट फिर भी क्या करें भाई, बुझानी तो पड़ेगी यार, पूरा अपना बेस जल जाए उससे अच्छा है कि फटाफट से आग बुझा दें। एंड मेरे हिसाब से तो भाई नाइट पूरी ख़त्म होने आ गई है, 15-20 मिनट हो गए मेरे को इस एग के पास खड़े हुए, बट अभी तक ये हैच नहीं हुआ है। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको। तो एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पे पीछे की साइड पे कोबल स्टोन लगा देते हैं, ताकि जो है लकड़ी आग ना पकड़े यार। तो बहुत टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली वो टाइम आया जब हमें मिल गया हमारा एक दोस्त। भाई ड्रैगन आ चुका था एग से बाहर, एंड ये है इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ड्रैगन, बट अभी तो बहुत छोटा है यार, बहुत क्यूट है। तो इसको पहले तो खाना खिलाते हैं, एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। भाई यही रहने वाला है, एंड हमारे कंधे पे भी आ चुका है ड्रैगन। तो यार देखते हैं भाई, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, अलग सी फीलिंग हो रही है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने पुराने घर पे, फर्स्ट घर पे जो जल चुका था, क्योंकि मेरे ड्रैगन के स्कल्स एंड सारे यहीं पे पड़े हुए हैं, जिससे हम बना सकते हैं एक ड्रैगन को कमांड करने की, शायद कुछ छड़ी वड़ी बना सकते हैं इससे। तो देखते हैं अपन क्या बना सकते हैं। तो मेरे पास ड्रैगन बोन तो वहाँ पे भी थे, बट सबसे ज़रूरी ड्रैगन स्कल मेरे पास नहीं था वहाँ पे, तो पुराने घर पे आना पड़ा मुझे इतना दूर ट्रैवल करके। बट अब तो हम उड़ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं मुझे। तो यहाँ पे हम बनाना है ड्रैगन कमांड स्टाफ, इससे हम ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई बिठाना है उसको, उड़ाना है, क्या करना है। तो वो चीज़ लेके जो मैं फिर से आ गया अपने बेस में, एंड ड्रैगन को मैं भाई एक जगह पे पैक करके गया यार, पता नहीं इधर उधर दौड़ने लग जाए, एंड इसको कोई मार दे तो यार थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए। तो फटाफट से यहाँ से इसको फ्री करते हैं, एंड देन देखते हैं कि भाई ये कमांड कैसे काम करता है, ये ड्रैगन कमांड कैसे करता है वर्क। ओके, ड्रैगन एक जगह पे बैठ चुका है, अपने को एस्कॉर्ट कर रहा है, ठीक है। वॉन्डरिंग ड्रैगन अपने भाई साहब, ये तो अपने कंधे पे आके बैठ गया यार। चलो ठीक है, जो भी है फटाफट से इसके लिए ड्रैगन मील बना लेते हैं, एंड इसको फटाफट से ग्रो करते हैं। यार मेरे पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है इस दुनिया में, क्योंकि Day 100 पर यहाँ पे पोर्टल खुलने वाला है जिससे हम बाहर निकलने वाले हैं। तो फटाफट से मील बना लेते हैं, कमी नहीं है अपने पास बोन एंड स्टिक की, तो बन जाएगी बहुत सारी मील, एंड इसको फुल ग्रो कर सकते हैं हम। एंड दूसरा रीज़न है इसको फटाफट से ग्रो करने का, क्योंकि यार इविल फोर्स वाला ने इसकी माँ को मारा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला उनसे बदला लूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भी अपना बदला ले एंड इविल फोर्स वालों को ख़त्म कर दे ये। तो फटाफट से इसको ग्रो करते हैं, खाना खिलाते हैं, जितना भी मैं बना सकता था सारा बना लिया मैंने। आई थिंक इससे ये ड्रैगन स्टेज 5 तक पहुँच जाएगा, तो काफ़ी जल्दी जल्दी जो है, अगर अपन एक मील खिलाते हैं उसको तो वो एक दिन बड़ा होता है, एंड हाईएस्ट जो है ड्रैगन 125 डेज तक ग्रो होते हैं। एंड ये लेवल 3 पे आ चुका है, क्योंकि अब अपन इसके ऊपर राइड कर सकते हैं। लेवल 3 पे आते ही हम जो है राइड कर सकते हैं ड्रैगन के ऊपर, एंड भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है यार, बहुत तगड़ी फीलिंग है। बट मैं इसको और ग्रो करना चाहता हूँ, बहुत छोटा है ये, लेवल 5 पे जाएगा तो आप देखना बिल्कुल डायनासोर जैसा लगेगा, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। तो फटाफट से इसको खाना खिलाते हैं, जितना अपने पास है सारा खिला देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है ये ड्रैगन। ओके, तो जितना खाना था सारा खिला दिया है मैंने, एंड देखो भाई इस ड्रैगन को कितना मॉन्स्टर बन चुका है ये, बहुत बड़ा हो चुका है ये ड्रैगन। बट हमें नहीं मारेगा ये, क्योंकि ये अब हमारा बेस्ट फ्रेंड है, एंड इसको पता है कि यार इविल फोर्स वालों को हम दोनों मारने वाले हैं। एंड भाई कितना बड़ा हो चुका है ये ड्रैगन, भाई इस बेस के अंदर आ ही नहीं रहा है, इसकी गर्दन तो इसको बाहर रखनी पड़ रही है। तो इविल फोर्स वाले इसके सामने मुझे नहीं लग रहा कि टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यार ये अभी भी इस वर्ल्ड से अनजान है, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है बहुत ख़राब है। ओके, तो अब हम राइड कर सकते हैं इस ड्रैगन को, एंड एक काम करते हैं इसका एक नाम रखते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इसका नाम हम रखेंगे ड्रोगोन। तो ठीक है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त फीलिंग है यार माइनक्राफ्ट में, मतलब ऐसी फीलिंग मेरे को कभी नहीं हुई। तो एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं, नाइट हो चुकी है, इसको भी सोना होगा, नाइट में ये सोते हैं, तो इसको सोने देते हैं, कल सुबह चलते हैं यहाँ से।
ऑलराइट गेमर्स, तो वक्त आ चुका है इविल फोर्स पे अटैक करने का, एंड हम वहां तक जाएंगे ड्रैगन को राइड करते हुए, ड्रोगोन को राइड करते हुए। एंड बाय, ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, कितनी ज़बरदस्त फीलिंग है। अगर आपके पास भी जावा एडिशन है तो ज़रूर से ये मोड ट्राई करिएगा, आइस एंड फायर एंड ड्रैगन को राइड करिएगा यार। ओके, तो इविल फोर्स का टावर दिख रहा है मुझे, टाइम फॉर ड्रकारिस। भाई मज़े ही आ गए यार, मज़े आ गए भाई, इतना मज़े मेरे को कभी नहीं आए इस गेम के अंदर। ओके सो बैक टू बिजनेस, इविल फोर्स का टावर जो है फिनिश हो चुका है, चलते हैं यहाँ से उनके मेन बेस की तलाश में। सामने ही होना चाहिए यहाँ पे कहीं, क्योंकि इनका टावर यहीं पे है, तो मेरे हिसाब से यहीं पे है। अगर हम आइस को क्लियर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा उनका मेन बेस। ऑलराइट, तो इविल फोर्स का मेन बेस मिल चुका है, सामने की तरफ ही है, पास में ही उनका एक टावर भी है, एंड हम खड़े हैं यहाँ पर ऊंची चोटी पर बर्फ की। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए। उससे पहले एक लास्ट ब्रेथ ले लेते हैं, ये होने वाली है एक ऑल आउट वॉर। ड्रोगोन, टाइम आ चुका है इविल फोर्स से बदला लेने का, लेट्स डू दिस। तो इविल फोर्स का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब वक्त है मेरे बदले का। ड्रोगोन का बदला पूरा हुआ, उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इविल फोर्स को, अब मेरी बारी। तो फटाफट से मारते हैं बाकी के बचे हुए सारे सैनिकों को, एंड इस वर्ल्ड से नामो निशान मिटा देते हैं इविल फोर्स का। तो इविल फोर्स के सभी सैनिकों को मैंने मार दिया, एंड इसी के साथ हमारी विक्ट्री होती है इविल फोर्स के ऊपर। तभी मैं थोड़ा सा ड्रैगन को राइड कर रहा था, तभी हम पे अटैक किया आइस ड्रैगन ने। तो उसका अटैक इतना ज़बरदस्त था कि पूरा जो है अपने ड्रोगोन को आइस में पैक कर दिया। उसको बचाने के लिए मुझे उससे उतरना पड़ा एंड आइस ड्रैगन को मारना पड़ा।
आइस ड्रैगन को मारकर हम एक बार फिर से बन चुके थे ड्रैगन स्लेयर। तो आइस ड्रैगन मर चुका था, इविल फोर्स पर हमारा कब्जा हो चुका था, अब वक्त था ड्रैगन को इनके बेस के अंदर ले जाने का। तो पूरा बेस हमारे कब्जे में आ चुका था ड्रैगन के एंड मेरे, हमारा बदला भी पूरा हो गया दोनों का। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो वैसे ही सैनिकों को मार के मुझे बहुत डायमंड मिल चुके थे एंड इसके अंदर भी बहुत सारे डायमंड थे, तो वैसे मुझे डायमंड की ज़रूरत तो थी नहीं, बट ले लिए सारे यार, डायमंड कौन छोड़ता है। ओके तो इस चेस्ट के अंदर कुछ नहीं है। ओके इस चेस्ट के अंदर बुक एंड क्विल मिली है हमें, तो फटाफट से इस बुक एंड क्विल को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं अपनी इन्वेंटरी थोड़ी सी खाली कर देता हूँ, कचरा हटा देता हूँ सारा। ओके पढ़ते हैं अब। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन ना सिर्फ तुमने इस वर्ल्ड में सर्वाइव किया बल्कि तुम अब इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम अब चैम्पियन नहीं, गॉड ऑफ किंगडम ऑफ डालडार हो। ये मैसेज उसी अननोन ने छोड़ा मेरे हिसाब से। मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हूँ कि तुमने यहाँ के लोगों की मदद की। तुम इस वर्ल्ड से जा सकते हो। इस वर्ल्ड से जाने के लिए तुम्हें यहाँ से थोड़ी ही दूर एक हर्षजेस्ट नाम का जानवर मिलेगा जिसे तुम सिर्फ रात में मार सकते हो। ऑलराइट, तो हमें नाइट में उसके साथ फाइट करने पड़ेगी, बहुत टफ फाइट होने वाली है। अगर तुम उसे मार देते हो तो वहाँ से पूर्व की ओर जाना, वहीं पर एक पोर्टल ओपन होगा जहाँ से तुम इस वर्ल्ड से निकल सकते हो। जल्दी मुलाकात होगी हमारी, अननोन। भाई ये बंदा चाहता क्या है, ये मुझे इस वर्ल्ड से निकलने का रास्ता भी बता रहा है, मेरी परेशानियां भी बढ़ा रहा है। आई डोंट नो कि ये क्या चाहता है। देखते हैं, जब भी इससे हमारी मुलाकात होगी तब देखते हैं। वक्त है इस वर्ल्ड को छोड़ के जाने का। उससे पहले एक लास्ट राइड ले लेते हैं ड्रैगन के साथ, क्योंकि यार ड्रैगन से शायद मैं अब कभी ना मिल पाऊँ इसके बाद। तो एक लास्ट राइड ले लेते हैं। तो इसी के साथ वक्त आ चुका है ड्रैगन को अलविदा कहने का एंड इस वर्ल्ड से जाने का। तो ड्रैगन, आई नो कि तुम बहुत सैड हो यार, मेरी तरफ देख लो प्लीज। तुम अपना ध्यान रखना, बहुत पावरफुल हो तुम, तुम्हें कोई नहीं मार सकता इस वर्ल्ड में, बस अपना ध्यान रखना तुम। हो सकता है हम कभी मिल जाए, इस वापस आना पड़ जाए मुझे इस वर्ल्ड में। प्लीज ड्रैगन, अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे हो सकता है। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। ओके तो हमें वही मिल चुका है हर्षजेस्ट, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। एंड ये तो एक तरह से मेरे को भारत सिंह जैसा लग रहा है, इसके बड़े बड़े सींग है, बट इसके सींग पे आग लगी हुई है एंड ये हिल नहीं रहा है। हिल तो रहा है भाई, बट आई थिंक ये अपने पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छा, उस बुक में बोला गया था कि इसको हम सिर्फ नाइट में मार सकते हैं, तो इमोर्टल है ये डे टाइम में, तो मुझे वेट करना होगा नाइट का। ओके तो बहुत टाइम हो गया मुझे वेट करते करते एंड नाइट होने ही वाली है, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। एंड ओ भाई, इसका पूरा कलर चेंज हो गया यार, भाई बहुत खतरनाक दिख रहा है एंड नाइट का टाइम है। अच्छा है कि अपन उड़ सकते हैं तो अब इसे इजीली मार सकते हैं यार, बट मैं इस तरह इसको नहीं मारना चाहता। एक काम करते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, वन ऑन वन टक्कर लेके देखते हैं कि भाई किस तरह से ये रिएक्ट करता है। टोटेम ऑफ अंडाइंग अपन ने ले रखा है, देखते हैं रिएक्ट किस प्रकार करता है, कितना हाई डैमेज देता है ये, फिर इसको हम आराम से मार देंगे। तो लेट्स फाइट।
ओके तो फाइनली मर चुका है वो, बट ये आई डोंट नो ये लाइट वाले क्या चीज़ है, आई थिंक ये कोई गोस्ट वोस्ट टाइप के हैं, तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे यार। तो इनको मारने पे मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, तो इसको अपन देखते हैं क्या मिला है यहाँ पे। तो फटाफट से यहाँ से पहले तो ज़ॉम्बीज और ये सारी चीज़ें स्पॉन होने लग जाएगी, तो फटाफट से पेड़ के ऊपर चलते हैं। ओके तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें मिला है गोस्ट लाइट। ओके तो यही चीज़ हमारे पीछे पड़ रही थी, तो यहाँ पे हम लाइट लगा सकते हैं। अगर बेस बनाना हो तो हम चारों तरफ इस टाइप की लाइट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो हमें हर जेस्ट का स्कल भी मिला है, तो उसको पहन भी सकते हैं भाई, पहन सकते हैं, देखते हैं यार कैसा लग रहा है। ओ भाई बिल्कुल राक्षस लग रहे हैं हम यार, मतलब अपने सींग आ चुके हैं बड़े बड़े एंड उसके ऊपर लाइट्स भी लग रही है, लाइट नहीं आग लग रही है सॉरी, बट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसको हटा देते हैं यार, मेरे को राक्षस नहीं बनने का है। तो काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं पूर्व की साइड पे एंड अभी तक मुझे जो है वो पोर्टल नहीं मिला है। आई डोंट नो कहाँ पे होगा कैसे क्या होगा, बट आई होप कि जल्दी मिल जाए। वेट वेट वेट, यहाँ पे लाइट्स लग रही हैं, हो सकता है ये वही जगह हो जिसकी हम तलाश में हैं। तो अंदर चल के देखते हैं, बस यहाँ पे कोई खतरा ना हो। बहुत खतरों का सामना कर लिया यार, बस अब इस वर्ल्ड से निकलना है मुझे। ओ भाई पोर्टल मिल गया फाइनली, अब हम निकल सकते हैं इस वर्ल्ड से बिना किसी टेंशन के। 100 दिन हमने सर्वाइव किए इस वर्ल्ड के लोगों को, मॉन्स्टर से फ्री कर दिया इस वर्ल्ड को, इविल फोर्स से फ्री कर दिया है, काफ़ी हेल्प करी है यहाँ के लोगों की हमने। मे बी फ्यूचर में हम कभी इस वर्ल्ड में आ जाएं वापस, बट फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना है एंड इविल फोर्स को मार दिया है हमने। बस अब ये अननोन कौन है इसका पता चल जाए बहुत जल्दी, तो निकलते हैं यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर देना एंड दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। तो मिलता हूँ आप सबसे न्यू सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।